जो लोग सो गए थे उनकी तो अभी गुड मॉर्निंग हो गई होगी, बट हम लोग जो है सैरी करने के लिए उठ चुके हैं। अब नीचे चलती हूँ, चेंज वेंज कर लिया मैंने, तो देखते हैं कि नीचे क्या बना है सैरी में आज। वैसे तो रात को जो हमने सालन बना लिया था आलू गोश्त का, बट उसके साथ देखते हैं कि पराठा बना है या फिर रोटी। तो चले चलते हैं, टाइम बहुत कम रह गया है। ये देखिए जी, रात कितनी हो चुकी है, और जब आप रोज़े के टाइम पे उठते हैं तो ये वाला जो मौसम और ये जो वेदर हो रहा होता है, जो एटमॉस्फेयर हो रहा होता है, बहुत ही आपको मतलब आपके अंदर के इनर को सुकून दे रहा होता है। और यहाँ हम जा रहे हैं जी नीचे, अब जाके देखते हैं जी क्या बना है, और जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और जो है मुकाबला सख्त होता है। यहाँ पर सहरी लग चुकी थी, बस जो है सालन व पराठे आने थे, लस्सी मैंने बना ली थी, तो अब ये दिखा है जी जाला बजी। अब मैं चूल्हा साफ कर रही ऐसे डालूंगी मैं, देख लेना। और ये इसका पराठा है जो इस तरीके का ये बना रही है। और यहाँ पे सालन जो है आलू शोरबे वाला बन रहा है, ये चाय बन रही है। तो अब चलते हैं पराठे लेके दस्तरखान की तरफ। ये जी हमारा आलू शोरबे वाला सालन, जो कि मैंने रात को बनाया था, आपको बताया भी था। और जो है बस अब जल्दी से लस्सी और रख दी है दोनों साइड पे, एक नमकीन और एक मीठी हो गई है। और दोपहर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद किस्म की धूप है। और आपको पता है कि मैं रूम से जाती हूँ तो चार जुलाई कैसे उठा के ले जाती हूँ, क्योंकि नीचे जाना होता है। तो चलते हैं और जहर की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, और आज की रूटीन आप लोगों से शेयर करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या करना है। देखिए बाहर धूप, देखिए। ये जी हम चलते नीचे, यहाँ अम्मा नमाज़ पढ़ी और ये बच्चे जो है नानी के रहने के लिए हैं, और बच्चों के काम देखें, मोबाइल के बगैर तो इनकी ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल उदास। यहाँ जी बच्चे जो हैं उनके लिए नाश्ता बन रहा है, और क्योंकि उनका जो है रोज़ा नहीं है, वो अपनी नानी के घर रहने के लिए आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको जल्दी से नाश्ता बना दूँ। यहाँ जी बस नाश्ता हो गया था और ये कपड़े जो हैं वो वॉश होकर आए थे, तो मैंने सोचा कि अब इनको समेट लूँ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी समेटने के लिए लगी हुई थी कि अफ्तारी से पहले जो है समेट के, और जो है फिर एक सिपारा भी कंप्लीट कर लूँ, और फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो ये देखिए जी सनाया भी मेरे साथ लगी हुई है, क्योंकि नानी के घर रहने के लिए ये, और मैं तो इसको देख के हैरान थी, माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा कि इसकी आप तय देखें, लगाने का तरीका देखें, माशाल्लाह इसने पता नहीं यूट्यूब से देखा है कहाँ से देखा है, बट मैं ख़ुद काफ़ी एक्साइटेड भी थी और देख भी रही थी कि यार ये करती भी है या नहीं करती, लेकिन माशाल्लाह से बहुत सुगर बच्ची है। और यहाँ जी हमारी अफ्तारी का टाइम हो गया, और मैंने सब प्रिपरेशन कर कर रखी है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था, तो मैंने कहा वीडियो बनाने के चक्कर में और देर हो जाएगी, सब कुछ रेडी करके उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है। यहाँ एक साइड पे समोसे बन रहे हैं, एक साइड पे रोल बन रहे हैं, और वो पकौड़ों का मिक्सर था, दही पड़ों का था, और प्याज भी बनाए हैं, और यहाँ पर जो है रायता बनाया है दही बड़े के लिए, दही बड़े दही पल्ले होता है या दही बड़े होता है पता नहीं, पंजाबी में तो यही बोलते हैं। तो खैर जो है हम लोग का रायता हो गया है रेडी, मतलब सब चीज़ें रेडी कर ली हैं, जो हम लोगों को जल्दी जल्दी फ्राई करना है क्योंकि वरना अजान हो जाएगी। और ये देखें जी यहाँ पर ये नई रेसिपी ट्राई की थी बन के साथ हम लोगों ने, ब्रेड के साथ, ये भी बहुत अच्छी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये प्याज वाले पकोड़े थे और रोल थे, तो आप लोग भी बताएं आप लोगों का रमज़ान किस तरह का गुज़रा। और माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान तो इतनी तेज़ी से गुज़र गया है कि 15 रोज़े कंप्लीट भी हो चुके हैं और पता भी नहीं चला, और इसी तरह रमज़ान ख़त्म भी हो जाना है। और यहाँ पर बस मेरे दही पड़े और चीज़ें जल्दी जल्दी रेडी हो रही हैं, तो ये हरी मिर्ची भी भर कर मैंने रखी हुई थी, और जो है दही पड़ों की भी प्यालियाँ जो है हमने सेपरेट बना ली थी, तो वो ज़्यादा सही रहती हैं बजाय एक बॉल में आप रख दें। यहाँ पर हमारा दस्तरखान रेडी हो चुका है, बस जल्दी जल्दी चीज़ें फ्राई होंगी और वहाँ पर रख दी जाएंगी। तो आप लोगों को भी मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर जो है मैं स्ट्रॉबेरी और जो है मैंगो का जूस बना रही थी, ये देखिए, और स्नाया यहाँ पर भी मेरी हेल्प कर रही थी दस्तरखान लगाने में।
तो ये देखिए बच्चों की तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि हम लोगों को मतलब रमज़ान किस तरीके से गुजर रहा है और चीज़ें आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इनके तो मज़े आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है मेरा जूस बस रेडी हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी ये देखिए मैंने फ्रीज़ करके हम लोगों ने वॉश करके मेरी मम्मा ने जो है फ्रीज़ कर दी थी ताकि एंड टाइम पे हमें मुश्किल ना हो। ये हमारा जी दस्तरखान रेडी हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आ रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा। और अल्लाह पाक सबको अपने दस्तरखान को इसी तरह से जाने की तौफीक दे और हमें भी तौफीक दे, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा, और ख़ास तौर पे मेरे अम्मा अब्बा के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। और इसी तरह मैं व्लॉग में आप लोगों को दिखाती रहूं। यहाँ जी रोज़ा खुल चुका है और जल्दी से बस रोज़ा खोलेंगे, और सालन वालन बनाना है, अभी रात का बनाया नहीं है। हेलो जी, अभी जो है अफ्तारी हो गई है और सुबह सहरी के लिए मैं सालन बनाने लगी हूँ। यहाँ पे भिंडी काट ली है, प्याज़ वगैरह आपने देखा होगा मैं पहले कटिंग कर रही थी, लहसुन भी जो है वो छील के रख लिया, अब बस भिंडी बनाऊंगी। उसके बाद जो है ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी, क्योंकि मगरिब की तो पढ़ ली है, तो ये सालन भी बना के रख दूँ ताकि फारिग हो जाए और सुबह में टेंशन ना हो। तो देखिएगा मेरी भिंडी भी कैसी बनती है, आप लोग बताइएगा आप लोग भिंडी कैसे बनाते हैं। ये मैंने लहसुन को अच्छी तरह भून लिया था और ये अभी प्याज डाल के अब इनको ब्राउन करूँगी और फिर जो है बाकी का प्रोसेस दिखाती हूँ आप लोग भी। ये जी आया है यूनाइटेड किंग से समोसे, और इसको क्या कहते हैं, और ये रोल हैं, गिफ्ट लेके आए हैं कोई हमारे घर आए हैं, तो ये देखें ये देखें। आप यूनाइटेड किंग वालों की जो है चेक करें कि क्या क्या इनके वहाँ पर अवेलेबल होता है। 1, 2, 3 देन एक और ये है, सबसे मज़े की चीज़ ये है और ये एक दिन में ख़त्म हो जाती है। ये देखें जी, ये कुछ इस तरीके से इस मसाले की शक्ल हो जाएगी, और अभी भी ये 5 से 10 मिनट और भुनेगा, उसके बाद भिंडी डलेगी, तो वेट करते हैं। और ये देखिए जी भिंडी मैंने डाल दी है और कुछ इस तरह की है। अब इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना मुझे, इसी तरीके से जो है कड़क कड़क बन जाएगी। अरे क्या कह रहे हो, आपका नाम ब्राह्मण?